नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज मैं आपको हमारे यूथ की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, जब CAA को लेकर पूरे भारत देश में प्रोटेस्ट चल रहा था और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पर कुछ पुलिस ने, पुलिस ऑफिसर्स ने, जैसे कि दिल्ली पुलिस ने और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मारा। किसी का सर फोड़ दिया, किसी का पाँव तोड़ दिया। पर वो कहते हैं ना कि हड्डियाँ तो तोड़ दोगे पर हमारा हौसला कैसे तोड़ोगे। स्टूडेंट पावर इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। तो दिल्ली में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो DAN हिंदी नाम का एक चैनल है जो वहाँ पर गया और एक स्टूडेंट से पूछा, इस बिल के बारे में पूछा। तो आप देखिए उस स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरीके से इस बिल के बारे में बोला और हमारी सरकार के बारे में बोला। Why are you protesting today? I'm protesting for my country. It's unsecular, it's unconstitutional. मुझे नहीं चाहिए नया constitution. मेरे को जो बाबा राव अम्बेडकर छोड़ के गए थे, I will go through that. आप नहीं बदलेंगे इस देश का constitution, you can't change it. And it's not about coming to a particular community. They're not only coming for Muslims, they're coming for Hindu, Dalit, tribes and everybody. Tell me, people in Assam, people with floods are hit every year. How are they supposed to give you the damn papers? They don't have that, sir. आपने इलेक्शन कर लिया, आप जीत गए, अब आप हमें बोलेंगे, हम अपनी नागरिकता साबित करेंगे। मैं यहाँ पैदा हुई, यू लास्ट मी की मैं कितनी, आप मुझे बताइए, 35 आप हुए हैं, समाज से आप निकाले गए थे, मैं नहीं। They say that they are running towards the 5 trillion economy, 5 trillion, my foot, that will go down every day, GDP is 4.5, it will go more down, these are not your issues, unemployed people are standing here, that is not your issue, you want to implement NRC and CA? For no reason, do you know the cost behind it? Do you know how many people we send in detention camps? तुम्हारे पास औकात नहीं है, तुम अपने लोगों को कुछ दे सको, तुम पाकिस्तान अफगानिस्तान में रेफ्यूजीज लाके उनको दोगे? पहले खुद बनो फिर दूसरों को दे। Those who are protesting, वो anti-national लोग हैं, वो देश के खिलाफ। You are, हम लोग कितने? We are almost half of, more than half of the Indians protesting. Throw us all out. जो 15-20,000 लोग बचेंगे तुम्हारे अंधभक्त, उनको लेके रहो, या फिर एक काम करो, अपने लोगों को लेके वो जो कैलासा बना है हिंदू राज्य, वहाँ भाग जाओ। वी आर नॉट 300-400 पीपल सर, वी आर लाइक ऑलमोस्ट द मेजोरिटी ऑफ दिस कंट्री इज ऑन द स्ट्रीट टुडे। यू आर पेल्टिंग अस, यू आर लाठी चार्जिंग अस, यू आर बीटिंग अस, यू आर ओपनिंग फायरिंग, व्हाई? दोस्तों, इस लड़की ने एक एक बात सही कहा है, एक एक पॉइंट सही कहा है। वैसे मुझे तो नहीं पता ये कौन है, क्या है, पर जो भी हो, सैल्यूट योर सिस्टर। दोस्तों, ये लोग बात करते हैं असम में 1 करोड़ लोगों को लाने की। अच्छा, 1 करोड़ लोग, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे असम में हर साल फ्लड आता है और लाखों जाने जाती है और हज़ारों हो शेल्टरलेस होते हैं लोग। आपने हमें कितना दिया है? आप पहले हमें तो दीजिए, आप दूसरों को देने की बात करें, आपने हमें कितना दिया, आप ज़रा देखिए तो सही एक बार। और बात रही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो मैं उनसे यही कहूँगा, आप ये बोलिए ही मत तो ही सही रहेगा, आप ये बोलिए ही मत, क्योंकि जहाँ पर GDP 4% से भी नीचे गिर चुका है, आप वहाँ पे 5 ट्रिलियन का मतलब सपने में भी कैसे सोच सकते हैं इसको। और ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम कहते हो कि ये एंटी नेशनल है, ठीक है, फिर निकाल दो सबको देश से बाहर, मामला ही ख़त्म हो जाता है। अगर आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग देशद्रोही है, तो आज आप खुद देखिए पूरा देश आज़ादी के नारे लगा रहा है। और भगत सिंह जी ने भी कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो का मेन मोटो था इस लड़की के आवाज़ को आप तक पहुंचाना, आप सब तक पहुंचाना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।